हेलो गाइस एंड वेलकम टू बीबी मंत्रा। गाइस, बोलने या सुनने की समस्या होना या दोनों में से कोई एक होना, दैट इज हेयरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि बढ़ती उम्र या फिर बाय बर्थ या फिर किसी इलनेस या इंजरी की वजह से होती है। इसके दो रूप होते हैं। पहला, जब डॉक्टर की मौजूदगी में दवाएं और सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मौजूद होते हैं MBBS एंड हु हैज डन मास्टर्स इन ENT, दैट इज ईयर नोज एंड थ्रोट, इसके अलावा या तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट। और दूसरी कंडीशन कि जब कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, दवाई और सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए मौजूद होते हैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट, जो कि कई तरह की टेक्निक्स और तकनीक का इस्तेमाल करके इस इम्पेयरमेंट को ठीक करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने BASLP, दैट इज़ बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की डिग्री हासिल की होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से BASLP के कोर्स और करियर पर्सपेक्टिव के जाने के वो सारे एंगल जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द प्रोस एंड कॉन्स, दैट इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वुड लाइक टू मेंशन अबाउट शैलू राजपूत फॉर हिज वैल्यूएबल कमेंट ऑन दिस। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस अगर आपके पास अभी टाइम ना हो तो सेव कर लीजिएगा, जब टाइम हो तब देखिएगा, लेकिन देखिएगा पूरा। लेट्स बिगिन। BASLP इज अ 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो कि सेमेस्टर पैटर्न में डिवाइडेड होता है, मतलब 4 साल के अंतर्गत आपको टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं, कंसिस्टिंग 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स। तो शुरू के 3 साल, यानी कि तो स्टार्टिंग जो 3 साल है उसमें जो 6 सेमेस्टर में, उसमें आपको सब्जेक्ट्स लाइक इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड ऑडियो पैथोलॉजी, इसके बाद न्यूरोमोटर स्पीच डिसऑर्डर्स, एजुकेशनल ऑडियोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी, वॉइस एंड लैरिंजेक्टोमी एक्सेट्रा, ऐसे करके टोटल आपको 30 सब्जेक्ट्स यानी कि 5 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर शुरू के 3 साल में पढ़ते होते हैं। इन नटशेल अगर मैं इसको कहूँ तो BASLP का पूरा कोर्स करिकुलम स्पीच एंड ऑडियोलॉजी से जितने भी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं और उनके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसके इर्द गिर्द ही उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर आधारित है, उसी के ऊपर फैब्रिकेटेड है। इसके बाद लास्ट का जो ईयर है जिसमें कि 2 सेमेस्टर्स हैं, दैट इज 7th एंड 8th, आपको किसी रिहैब सेंटर में, हेल्थ सेंटर में अंडर एन ऑडियोलॉजिस्ट या फिर स्पीच थेरेपिस्ट के अंदर एक इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप के दौरान आप डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें काउंसिल करते हैं और एक्चुअल केस स्टडी के ऊपर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेते हैं, और उसमें से अपना कोई भी मन पसंदीदा टॉपिक उठाने के बाद उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट को रिपोर्ट को कंप्लीट करने के बाद जिस भी स्पीच जो ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट है जिसके अंडर में आपने ट्रेनिंग करी है, उससे साइन करवा के अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करते हैं। उसके बाद आपके सुपरवाइजर की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद उसका वाइवा वोस होता है। वाइवा वोस एग्जाम होने के बाद आपको BASLP की डिग्री मिलती है। और अगर जिस इंस्टीट्यूट से आप ये BASLP का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, अगर वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज RCI एंड स्टैचुरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अगर उससे मानित है, तो आप सोसाइटी में, मतलब समाज में, एक पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट या फिर स्पीच थेरापिस्ट बनकर एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एनी गाय हु हैज डन 10+2 विथ मिनिमम 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ PCB या PCM इज एलिजिबल फॉर द BASLP कोर्स। कमिंग टू द इंस्टीट्यूट, वैसे तो इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, बट इफ आई टेक द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट वंस, हियर द वर्ड प्रोमिनेंट मीन्स हु हैज स्टैंडिंग ओवर पास्ट 1 decade, तो उसमें है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, श्री रामचंद्र भांज मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज, दैट इज कटक, इसके बाद कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज मणिपाल, JSN इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर, एंड अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप मुंबई। वैसे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, बट जिनका मैंने प्रोमिनेंट वंस के नाम लिए उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही एडमिशन होता है, और BASLP के लिए 3 ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल के ऊपर, दैट इज द फर्स्ट वन इज NEET UG, द सेकेंड वन इज IPUCET, दैट इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और तीसरा है द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियर हैंडीकैप्ड, जिसमें कि इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपके मेरिट बेस के ऊपर काउंसलिंग के जरिए आपको एडमिशन मिलता है। बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी कोई BASLP का कोर्स कंडक्ट कराते हैं, उसमें आप डायरेक्टली 12th के परसेंटेज बेस के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर फॉर BASLP कोर्स वेरीज इन भारत, इट रेंजेस फ्रॉम 1500 to 80,000 पर ईयर, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अब ये इतना वेरिएशन क्यों है, वाई सच ओ वेरिएशन, तो मेरा इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है कि टेक्निकल कोर्सेज की फीस इतनी वेरी क्यों करती है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा। कमिंग टू द BASLP कोर्स, तो जहां पर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में स्टिल जो करंट डेट है वहां पर 1500 पर ईयर फीस है, तो कुछ इंस्टीट्यूट में 80,000 पर ईयर फीस है।
EASLP की डिग्री एक्वायर करने के बाद अगर आप एक रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं, यहाँ पर मार्क द वर्ड रजिस्टर्ड, तो करियर पर्सपेक्टिव से तीन सेगमेंट बनते हैं जिसमें सबसे पहला है वर्किंग एज रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, मीन्स प्रैक्टिसिंग एज ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट इन चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हियरिंग एंड स्पीच सेंटर, हियरिंग एड इंडस्ट्रीज। हियरिंग एड इंडस्ट्रीज मीन्स आपने देखा होगा जो कान की मशीन्स होती हैं जो पेशेंट की, वो जो मैन्युफैक्चर करती हैं जो इंडस्ट्रीज, वहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बतौर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन। नंबर दो होता है एकेडमिक्स, मीन्स यू कैन वर्क एज अ लेक्चरर एज अ टीचर इन द स्पेशल स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। यहाँ पर ध्यान रखिए ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, स्पेशल स्कूल है क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो भी स्पेशल होंगे, जैसे कि कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट पर बंदा जिन्हें नहीं पढ़ा सकता उसके लिए भी बीएसएलपी परस्यूड कैंडिडेट चाहिए। और तीसरा होता है इनसाइड अ हॉस्पिटल, मींस इफ यू आर अ रजिस्टर्ड स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट तो देन यू विल गेट अ चांस, मतलब अगर इसके ऊपर बीएसएलपी करने के बाद अगर इस फील्ड में मास्टर्स करते हैं, दैट इज मास्टर्स इन मास्टर ऑफ साइंस एंड स्पीच language pathology and audiology, then you will get a chance to practice inside the hospital with ENT pediatrician and neurologist, means you will not be called as a doctor nahi kehlayenge aap, wo to MBBS ke baad hi hai, lekin you will get a chance to practice inside the hospital. In sare perspective ko dekhne par agar salary ki baat kare to salary bhi bahut varied hai kyunki depend karta hai ki aap kis center mein hai, government hai, semi government hai, private hai, depend karta hai uska level kitna, uska scale kitna bada. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं जस्ट बात करूं तो स्टार्टिंग जो सैलरी पैकेज है रेंजेस फ्रॉम 2.8 लाख टू 5 लाख पर एनम, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। नाउ कमिंग टू द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बीएएसएलपी कोर्स इन करियर पर्सपेक्टिव, सबसे पहले प्रोस यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स, जो कि सबसे पहला है ग्रोइंग फील्ड, इस फील्ड की अभी बहुत डिमांड है। आई मीन लेट्स कंपेयर इट विथ अनदर डिग्री कोर्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ BDS, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट्री। तो इसको भी आप ऐसे समझे कि जब आप अपने शहर में 3 से 4 किलोमीटर की राइड करते हैं, आप निकलते हैं शहर में, तो आपको बीच में कम से कम 10 से 15 डेंटिस्ट के क्लिनिक मिल जाएंगे, लेकिन हार्डली कोई आपको ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट दिखेगा, एक आध कोई। दैट इज़ एक्चुअली द साइन ऑफ अनसेचुरेशन, तो अभी अनसेचुरेशन नहीं है। दूसरी बात यह कि ऐसा नहीं है कि इस फील्ड की डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हम नॉर्मल हैं, हमें अच्छी तरह से बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनको ये इम्पेयरमेंट है, उनके लिए एक स्पीच थेरेपिस्ट और एक ऑडियोलॉजिस्ट किसी भगवान से कमी नहीं। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की डिमांड 10%, मतलब उसमें 13% का इजाफा हुआ है, 13% का डिमांड बढ़ी है, जो कि बढ़कर नेक्स्ट 6 ईयर्स में, दैट इज़ बाय 2027 35% हो जाएगी। दैट मीन्स बाय दिस वैल्यूज दिस फिगर्स यू कैन अंडरस्टैंड द कोर्स एंड करियर पर्सपेक्टिव ऑफ BASLP। दूसरा प्रोस है नोबल प्रोफेशन। गाइस, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई इसे ना कर पाए तो उस बात का दर्द और पीड़ा शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। जब एक बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो जन्म लेकर वो हज़ारों खुशियां लेकर के आता है, जस्ट आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल, भगवान अगर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एक चाइल्ड हज़ारों खुशियां लेकर के आता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि बचपन से ही उसे स्पीच या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो सारी खुशियाँ दुख में बदल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप BASLP का कोर्स करके, उसमें रजिस्टर्ड होकर के प्रैक्टिस करके, आप पेशेंट्स को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं, समस्याएं जैसे कि वॉइस प्रॉब्लम, स्टैमरिंग, स्वॉलिंग, पोस्ट स्ट्रोक प्रॉब्लम्स, या फिर हेल्पिंग चाइल्ड टू स्पीक आउट देयर फर्स्ट वर्ड्स, ऐसे करके आप पेशेंट्स को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, और ऐसा करके आप एक नोबल कॉज करते हैं जिससे आपको सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, दैट इज़ द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। गाइस, ये सब जानते हैं कि ज़िंदगी में पैसा नहीं होता, पैसा मतलब सब कुछ नहीं होता, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद कम्युनिटी सोसाइटी में लोगों की हेल्प करके, नोबल कॉज करके, आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज को बिल्डअप करते हैं जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। और तीसरा प्रोस है टेक्नोलॉजी। गाइस, ये दौर टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक रजिस्टर्ड BASLP परस्यूड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एक वाइडर ऑडियंस, मतलब आपके जो पेशेंट्स हैं जो आउटसाइड द कंट्री हैं, उन तक भी पहुंच सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि BASLP कोर्स की बहुत डिमांड रहती है फॉरेन कंट्रीज़ में,
तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी टूल्स आप उन तक पहुंच के उन्हें काउंसिल भी कर सकते हैं। कमिंग टू द कॉन्स, कॉन्स दो ही हैं लेकिन है क्रिटिकल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहला जो है अनसेचुरेशन या फिर वी कैन से लैक ऑफ अवेयरनेस। ये प्रॉस यानी पॉजिटिव पॉइंट के पहला वाला जो पार्ट था दैट इज अनसेचुरेशन, उसका भी एक सिक्के के दूसरे पहलू की तरह उसका दूसरा पहलू है। मतलब ये यहाँ पर अनसेचुरेशन का मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होना। इसका मतलब है कि जब कॉमनली आम तौर पर लोगों को स्पीच या फिर ऑडियोलॉजिक इम्पेयरमेंट होता है तो सबसे पहला उनके आज भी डेट में भी उनका सबसे पहला उनके मन में ख्याल डॉक्टर का ही आता है एंड दे रश टुवर्ड्स हिम और हर। तो वहाँ पर वो क्योंकि जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है। अब इससे भी जुड़ा जो डबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दैट इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी मतलब कि डॉक्टर के पास अगर स्पीच और हियरिंग के इम्पेयरमेंट के लिए पेशेंट आए हैं तो डॉक्टर भी क्या करे, भेजने के लिए उसको रिकमेंड करने के लिए उतने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड नंबर ऑफ स्पीच एंड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट है ही नहीं, तो वो भी मजबूरी में ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ अगर अवेलेबिलिटी है तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। इसके बाद अगर इस चीज़ के जरिए तो मान लीजिए जब आप BSLP कोर्स कर लेते हैं तो रजिस्टर्ड होने के बाद अगर आप अपना खुद का एक ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी सेंटर डालना चाहते हैं मार्केट में, जो कि खुद भी अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, मींस टू एस्टेब्लिश एन स्पीच एंड ऑडियोलॉजी सेंटर इनसाइड द मार्केट इज अ वेरी बिग चैलेंज। उसमें भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप वो डाल भी लेते हैं तो टू मेक पीपल अवेयर, टू मेक पीपल नॉलेजेबल अबाउट योर सेंटर इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। उसके लिए यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ लाइक एनी थिंग। तो ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी एंड दिस होल क्रिएट्स अ मैसी सिचुएशन, क्योंकि अगर सेंटर बन भी गया तो फिर पेशेंट्स को वो बिलीफ दिलाना, ये विश्वास दिलाना कि हाँ दे कैन क्योर यू, वी कैन ट्रीट यू, ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दिस होल टर्न्स इनटू अ मैसी सिचुएशन एंड अल्टीमेटली इनटू अ कॉन्स, एक नेगेटिव पॉइंट। नंबर टू, इट्स द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मेरा कहने का मतलब होता है कि एक BASLP डिग्री होल्डर, एक रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसने इतने साल इतनी मेहनत के बाद कॉम्पिटेंसी से उस कोर्स को परस्यू किया, उसे पास किया, उसकी डिग्री हासिल करी, उसकी एक वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू के हिसाब से जैसा कि इस वीडियो के स्कोप सेगमेंट में मैंने बताया था कि चाइल्ड गाइडेंस सेंटर या फिर ट्रेनिंग स्कूल्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप बतौर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से उतनी सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कैसे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि दूसरे इनकॉम्पिटेंट अनक्वालिफाइड पर्सनल्स को हायर करके भी काम चला लेते हैं। ये सुन के आपको अजीब लग रहा हो बट दैट्स अ ट्रुथ। ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत कम पैसों पे, बहुत कम सैलरी पे काम कर देते हैं और काम चलता रहता है। ये सुन के आपको अजीब लगेगा बट ट्रुथ है, क्योंकि आई हैव पर्सनली विटनेस दिस। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीच सेंटर और ऑडियोलॉजी सेंटर्स में विजिट किया है, उनसे मिला हूँ एंड ड्यूरिंग दिस आई केम टू सी द इनकॉम्पिटेंट पर्सन। मैंने क्योंकि उनसे मिलने के बाद मुझे इच्छा जाहिर हुई कि मैं उस बारे में और डिटेल में चर्चा करूं। करते करते मुझे फील हुआ कि शायद ये रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो मैंने उनसे उनकी एजुकेशन पूछी। उन्होंने बताया कि हम BASLP नहीं हैं। सो आई फील वेरी बैड। सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अ कॉन्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए शायद इंडिया के जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं लाइक केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑडियोलॉजी स्पीच सेंटर्स हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, जिसकी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से एब्सेंस ऑफ रजिस्टर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की कमी है। तो ये एक भी कॉन्स है, नेगेटिव पॉइंट। सो गाइज, अब आते हैं हाइलाइट्स के ऊपर, मतलब कि किससे ये कोर्स परस्यू करना चाहिए। इस पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में इसलिए शामिल किया है क्योंकि बहुत सा एक क्वेश्चन मन में सवाल आता है कि वेदर आई शुड परस्यू दिस कोर्स और नॉट। सो आई एम गोना टेल यू विद सम ऑफ द हाइलाइट्स दैट हु शुड परस्यू दिस कोर्स, जिसमें सबसे पहला है कि जिन लोगों का एम सिर्फ पैसा कमाना है, होते हैं कुछ लोग जिनका एम होता है पैसा कमाना, मतलब कोर्स कोई सा भी हो, सेक्टर कोई सा भी हो, फील्ड कोई सी भी हो, सब चलेगा, उन्हें एम होता है पैसा चाहिए। तो गाइस, ऐसे लोगों के लिए कोर्स नहीं है, क्योंकि इस कोर्स के दौरान और इस कोर्स को करने के बाद
आपकी स्किल, आपकी प्रोफिशिएंसी, आपका एप्टीट्यूड, आपका डेडिकेशन, सिंसियरिटी, हार्डवर्क एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस की क्रिटिकल टेस्टिंग होती है। और अगर आप में ये सारे फीचर्स नहीं हैं तो यकीन मानिए आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से BASLP कोर्स के सिलेबाई पैटर्न्स, यानी कि विजिटिंग द सेंटर्स ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, पर्सनली फिजिकली विजिट करके इनर सेल्फ असेसमेंट करें कि यस यू आर सुटेबल फॉर दिस, यू वांट टू हेल्प सोसाइटी विथ अ मोटिव ऑफ नोबल प्रोफेशन, तो आप कदम रखें। इसी से जुड़ा दूसरा एक पॉइंट हाईलाइट है कि जो लोग को लगता है कि हमें एक नॉवल कोर्स कर लेना चाहिए, मतलब BASLP हमें साइंस की डिग्री चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, चलो डिग्री करने के लिए कर सकते हैं समथिंग डिफरेंट, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। ऐसा इसलिए ना करें क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो सीट भरने के चक्कर में स्टूडेंट की शर्तों के ऊपर एडमिशन को दे देते हैं, एडमिशंस दे देते हैं, और स्टूडेंट भी सोचता है कि चलो एडमिशन हो गया, बस डिग्री मिल गई, इसके बाद यू आर गुड फॉर नो यूज़, आपका कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सिचुएशन के साथ भी ना करें। तो जितने भी स्किल्स हैं, आपको अच्छा लगता है कि आपने इनर असेसमेंट किया कि डेफिनेटली आप इस कोर्स के लिए सुटेबल हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा किसी अच्छे पोटेंशियल इंस्टीट्यूट से ही करना आप, क्योंकि अच्छे पोटेंशियल इंस्टीट्यूट में लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, अच्छी फैकल्टी होता है, अच्छा ट्रेनर होता है। बहुत ज़रूरी होते हैं BASLP के प्रैक्टिकल्स, मतलब जो लेबॉरट्री में आप परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप इसको करने के बाद सीधे पब्लिक डीलिंग में आ जाते हैं, मतलब आपके जो सब्जेक्ट होगा वो पेशेंट होगा, उसे आपको काउंसिल करके उसे हेल्प करना है, तो वो स्किल आप डेवलप कर पाएं। तो अगर आपको लगता है तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ही कोर्स परस्यू करें। सो गाइज, एक मोटिवेशनल लाइन के साथ अपने इस वीडियो को विराम दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, एंड दैट इज एंजॉय योर ओन कंपनी इन स्पाइट ऑफ एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू मेक यू हैप्पी। गाइज, डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज़ होती है जो आपको पल पल आपको झुका देगी, इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखें, और नया सीखें मतलब अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आप अपनी कंपनी इंजॉय भी कर पाएं। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो ऑन BASLP। सारे एंगल्स हमने कवर किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साइनिंग ऑफ के पहले शैलू राजपूत का भी नाम लेना चाहूँगा फॉर इज वैल्यूबल कमेंट ऑन दिस, एंड इंस्टाग्राम पर BP मंत्रा को फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है BP मंत्रा, उसे भी लाइक करें। So bas, see you in the next video. Till then, stay motivated, work smarter, good luck.